अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और इतनी बड़ी और आलीशान हवेली का 3 करोड़ बहुत ही कम है। देखिए 3 करोड़ भी मैंने ज्यादा बोल दिया। लग रहा है 3 करोड़ से ज्यादा कोई नीलामी देने को तैयार नहीं है। ठीक है 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 5 करोड़। वाह मैडम, ये हुई ना बात। और कोई है जो 5 करोड़ से ऊपर बोली लगाएगा? अग्नि ये आप क्या कर रही है? आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान जरूर है। हम आपसे इस तरह पैसे नहीं। अमीर, आप पति हैं हमारे। जो हमारा है वो आपका नहीं। आप बस हमारी बात मान कर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर दीजिए। नहीं अग्नि, वो आपके पैसे और हमें नहीं लगता कि तुम्हें ये पैसे यहाँ देने चाहिए। ये पैसे होने वाले बच्चे के भी तो काम आ सकते हैं। अबीर, तुम अपनी गोली वापस ले लो। अबीर बेटा सुनिए, बेटा अवनी भी तो इस परिवार का हिस्सा है, क्या गलत कह रही है? सही तो है, मान लीजिए इनकी बात। यहाँ लक्ष्मी खुद चलकर घर आ रही है और ये है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अवनी अपनी गोली वापस लेने के लिए तैयार है? जी नहीं, हम अपनी गोली वापस लेने को तैयार नहीं। पर अब तो ठीक है, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़। ओए रुको, ओए कल दस 5 करोड़ × 4 कितने होंगे? 20 करोड़। शाबाश, 20 करोड़ की बोली साड़ी तरफ से। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3। इसी के साथ अब तोमर पैलेस स्टेक के 50% हिस्से के मालिक हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कांग्रेचुलेशंस मेरे हवेली के चालू। ओ पाजी, बड़ी जल्दी है तेनू। ओ इस होटल की मालकिन जो है ना वो हमारी मैडम जी हैं जी। और आपकी मैडम है कौन और वो यहाँ क्यों नहीं है? ओए, फिल्मों में तुमने हीरोइन की एंट्री देखी है, पूरा पर्दा चकाचौंध से जगमगा जाता है। हमारी मैडम जी ना आपकी जिंदगी में वही हीरोइन है और हमारी मैडम जी की एंट्री भी ना उसी अंदाज में होगी।
विधि तुम? Who's विधि? I'm Sia. Sia रघुवंशी. और हमने आपके हवेली के 50% शेयर्स खरीदे हैं. ये विधि यहाँ कैसे आ गई? Dude, ये लोग हमें आउल की तरह क्यों देख रहे हैं? जैसे हम कोई इंसान नहीं, हम कोई गोस्ट है. हेलो थॉमस, क्या हुआ? आपके होश उड़ गए? वो क्या है ना सिया की वाइबी ऐसी है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं. कोई सिया विया नहीं हो तुम. नाटक करने की कोशिश मत करो. हम बहुत अच्छे से जानते हैं और सबको पता है कि तुम विधि हो. What nonsense is this? हमने कहा ना कि हम कोई विधि नहीं है, हम सिया है, सिया रघुवंशी. लगता है तुमने इन्हें बताया नहीं कि हम कौन है, वरना इन लोगों की जरूरत नहीं होती हमसे ऐसे बात करने की. देखो विधि, हम कह रहे हैं. अबीर, अबीर, रुक जाइए. ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे झूठ मत बोलो, सच बता दो कि तुम विधि हो. और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से फेस बदल के हमारी आंखों में धूल झोंकने में तुम कामयाब हो जाओगे? हम मान लेंगे तुम्हारी बात. तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो. तुम चाहे पूरी दुनिया से अपना राज छुपा लो, लेकिन हमसे अपना राज छुपा नहीं सकती और हमें बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकती. और ये जो हवेली में नाटक चल रहा था ना भूत का, ये सब तुमने ही करा है. इन सब के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है ना? हमारी सारी खुशियां छीन के मन नहीं भरा तुम्हारा? चुप क्यों हो? जवाब दो ना. लिसन, कैन यू कम डाउन? तुम्हारी आदत है क्या बरसना? और वैसे भी पहले हमें ये बताओ कि हु इज दिस विधि? हमने कहा ना कि हम सिया हैं. ये विधि विधि क्या लगा रखा है? अबीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. साफ साफ दिखाई तो दे रहा है कि ये विधि है. अरे क्या चाहती हो तुम विधि? इतना बड़ा नुकसान करके गई थी इस हवेली का. तुम्हारी वजह से बाबा हुकुम की जान चली गई. हम हमेशा के लिए अपाहिज हो गए. अब वापस क्यों आई हो? क्या चाहती हो? जान लोगी इस बार हमारी? OMG, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ एक आप पागल है, लेकिन लगता है कि आपका पूरा खानदान पागल है. Excuse me. अपना ये टू व्हीलर ना कहीं और जाके पार्क करो. हमें जाके अपनी प्रॉपर्टी देखनी है. क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अभी बस कुछ दिन पहले हम मिले थे, तब तो तुम ऐसे बात नहीं कर रही थी. बाजार में हमारी कितनी मदद कर रही थी तुम. और आज, आज तो तुम्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम वो लड़की हो जो मुझे बाजार में मिली थी. हम मिले थे? I don't remember anything. Oh, अब याद आया. हमारी हमारे ड्राइवर के साथ शर्त लगी थी. उसने कहा था कि आप तो सती सावित्री बनने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते. लेकिन देखो, तुम्हारी वजह से हम वो शर्त कितने अच्छे से जीत गए. वो हमारा ना रूट कनाल वाला. हमने इतनी हैवी डोसेज ली थी. I don't think I remember anything. अब मुझे कुछ याद ही नहीं है. Anyways, तुम जरा साइड हटो. वो बसाइड, हमने कहा साइड हटो, हम जाके देखे तो कि हमने आंख बंद करके कौन सी चीज पे दाव खेला है. इसके आगे एक कदम और बढ़ाने की कोशिश मत करना. हमारी हवेली में तो घुस गई हो, लेकिन इसके आगे नहीं जाना. हमारी भलाई इसी में होगी कि चुपचाप वापस चलती बनो. छोड़ो ये सब, अपना नाटक बंद करो बस. कहा ना कि मैं सिया रघुवंशी हूँ. एक ही चीज बार बार कह के थक चुकी हूँ. मैं कोई विधि नहीं हूँ. You get that? ये बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी आप लोगों को. सेक्रेटरी, हम ये ड्रामा और नहीं ले सकते. हम अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आए यहाँ पे. ये डील कैंसिल.
शाबाश मेरे शेर, आज का दहाड़ी हो तुम अपने दुश्मनों पर। बस ऐसी कॉन्फिडेंस रखना और देखना कैसे मात देती हो इन सबको। डॉक्टर साहब, ये कॉन्फिडेंस, ये जीत, ये सब किस बात की, जब हम बेवकूफों की तरह हवेली से ऐसे चले आए। रिलैक्स रिलैक्स, तुम देखना नाक रगड़ते हुए वापस आएंगे सब। हॉस्पिटल से मैसेज आया है, लेकिन थोड़ी इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मेरे हाथ की बनी चाउमीन खाओ, चिल मारो, ठीक है? आता हूं मैं। लगता है डॉक्टर साहब होंगे, जरूर कुछ भूल गए होंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। मैंने बोला बाहर निकलो। अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस बुला दूंगी, बाहर निकलो। पुलिस हम अपने साथ लेकर आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस लड़की को। ये लड़की हमारी पत्नी थी, विधि तोमर, और इसी की वजह से हमारे दादो साहब को हमने खो दिया और हमारी मां को अपाहिज हो गई। What nonsense! मैं हजार बार बोल चुकी हूँ कि मैं इनकी कोई विधि विधि नहीं हूँ, मैं सिया रघुवंशी हूँ, सिया। बस हो गया इंस्पेक्टर साहब, अब ये कोई नई कहानी लेकर आई कि ये सिया है, विधि नहीं है। ये लाख झूठ क्यों ना बोल ले, लेकिन इसकी सच्चाई हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि ये विधि है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इसकी तस्वीर हमारे साथ। अब तो विश्वास हुआ? Oh my God! ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ये ट्विन है क्या? ड्रेसिंग सेंस थोड़ा खराब है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं। चुप! तुम तो झूठ बहुत आसानी से बोल रही, लेकिन तस्वीर तो झूठ बोल नहीं सकती। शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। मैडम, आपके पास कोई कागजात है जिससे ये साबित हो जाए कि आप ही सिया रघुवंशी हैं? एक सेकंड, मैं भी लाई। दे दीजिए। कागजात के हिसाब से तो ये सिया रघुवंशी ही है। नकली कागजात तो कोई भी बना सकता है। इसके फिंगरप्रिंट चेक कर। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अपनी उंगली रखो यहां पे। ये लो, अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स विधि से मैच नहीं करेंगे। ये आखिरी दांव सिया की पहचान को और पुख्ता कर देगा। अबीर चाहकर भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि तुम ही विधि हो। फिंगरप्रिंट से तो यही पता चलता है कि ये सिया रघुवंशी ही है, और ये सारे कागजात असली भी हैं। मिस्टर अबीर,
आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये विधि नहीं है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। मैं कब से इन लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होपफुली अभी आपकी बात सुनकर मान जाएंगे कि हम इनकी कोई विधि नहीं है। इस पागल की जिद सुनकर आपने यहाँ आकर अपना बहुत वक्त जाया किया है। आई एम श्योर आपको बहुत जरूरी काम होंगे। थैंक यू सो मच। ओके। अब भरोसा हो गया ना कि मैं सिया हूँ, या अब भी कुछ बाकी है, कोई डाउट बाकी है? खड़े क्यों, किसी चीज का वेट कर रहे हो? गेट आउट, निकलो मेरे घर से। हमें अपनी बात को साबित करने के लिए कोई कागजात या फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं। हम अभी के अभी तुम्हारा सच सबके सामने ला सकते हैं। विधि की बॉडी पे एक जगह पे दिल, वो सिया की बॉडी पे सेम उसी जगह पे दिल होना तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही कहा बना आपने। अबीर बना विधि के पति थे, तो इनको तो सब कुछ पता होगा ना। आइए चेक कर लेते हैं। नहीं, लेकिन एक बात ना आप लोग को बताना भूल गए हो कि थप्पड़ मारने में चैंपियन है, और अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है ना तो मेरे अंदर का चैंपियन जाग उठता है। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? थप्पड़ क्यों मारा? अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी पीठ पर एक तिल है। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। झूठ बोलने की कोशिश मत करो विधि। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी पीठ पे एक तिल है। जब हमने वो तिल देखा था, आज तक वो हम पल कभी भूल नहीं पाए। बोलो, हम पूछ रहे, बताओ सच क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है? Are you mad? जाने तो मुझे, leave me. जस्ट दो सेकेंड और। लो, लेजर बाबा ने मिटा दिया तुम्हारा तिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई विल शो यू। तुम्हें औरतों की इज्जत करना नहीं आता? कैसे मरते हो तुम? बोलो। विधि प्रूफ करने के सारे हथकंडे फेल हो गए ना? बोलो, मुझे इतना कमजोर समझने की गलती मत करना। मानहानि के केस में तुम्हें अंदर डालूंगी ना, एक एक फूटी कौड़ी के मोहताज हो जाओगे तुम लोग सब। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई।
बुद्धि की कौड़ी तो तुम लोग के पास है ही नहीं। लेकिन ये मत समझना कि रहम खा के तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी। तुम सबकी हरकतें देखकर ना हम ये डील कैंसिल करने वाले थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम उस घर में आएंगे, तुम्हें तिल तिल कर ऐसा तड़पाएंगे ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा और खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। सुनाई नहीं देता, कह रहे हो? Get out! I said, get out! कैसा दौर आ रहा है अम्मे को? आज उसे धक्का मारकर खुद से दूर कर दिया मैंने, जिसके पास रहना मेरी जिंदगी का सपना था। ऐसी कठिन परीक्षा अम्मे माँ,